नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का। दरअसल रायबरेली में काशीराम के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, जिस पर राजनीति का पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं इस बयान पर मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में लगाए गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को लेकर रामचरित मानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव सा बन गया है। तो वहीं इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बयान दिया था, जिस वजह से एक बार सियासी पारा हाई हो गया है, वो भी यहां सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको वो बयान सुनाते हैं। मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए, जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम काशीराम, मिले मुलायम काशीराम, ये नारा गूंजा था। अब गठबंधन के बाद क्या हुआ था, भाजपा का सफाया हुआ था, आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जहां एक तरफ मिशन काशीराम को धार तो सपा द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन भगवान राम को लेकर जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया तो जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, क्या लगता है इसे देखकर यूपी का माहौल क्या है? मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझ से बाहर है कि हमारी पार्टी करना क्या चाहती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस को लेकर विवाद कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हम सूचना की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर मिले मुलायम काशीराम जैसे नारे लगवा रहे हैं, उड़ गए जैसीराम जैसी बात यहाँ पर कर रहे हैं, भीड़ को उकसा रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो मुस्कान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी करना क्या चाह रही है। अगर ओबीसी वर्ग की बात करती है, दलित वर्ग की बात करती है, तो कभी इस वर्ग को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, कितने लोग इस वर्ग के इनके में शामिल है, अब तक सरकारें 4 बार रही हैं, इस वर्ग के लिए कितना काम किया है ये भी पता नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव आ गए हैं, चूंकि इस वर्ग की 42% से ज़्यादा आबादी है, इसलिए इनका प्रयास है इस वर्ग को अपने पाले में किया जाए। और पाले में करने के लिए इनके ये भी ये देख रहे हैं कि जो बाकी वर्ग है, जो सामान्य वर्ग में आता है, जो सामान्य वर्ग में आता है, जिसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया कायस्थ लोग हैं, वो कहीं इनसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से रामचरण मानस का इन्होंने बयान दिया था चौपाइयों को लेकर, हमारी तो पार्टी के तमाम नेता जिसमें मनोज पांडे भी शामिल है, उन्होंने इनका विरोध किया था, तो यहाँ पर अंदरूनी कलह भी हो सकती है और इस आने वाले समय में हमारी पार्टी को नुकसान भी दे सकती है। क्योंकि अगर पिछले वर्ग की यहाँ बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग फिलहाल जो बसपा का एक वर्ग माना जाता रहा है, वो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ है, और सपा के साथ आएगा कि नहीं आएगा मुस्कान ये भी स्पष्ट नहीं है। पर अगर आपने ये वर्ग को साधने के लिए अगर दूसरा वर्ग छूट गया तो कहने का यहाँ नुकसान बड़ा हो सकता है मुस्कान। बिल्कुल गौरव, अगर हम बात करें कि लोग क्यों वोट देते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये होता है इलेक्शन और हमारे संविधान का मतलब। लेकिन अगर ऐसे में जब धर्म का नाम आएगा, किसी भगवान का नाम आएगा, तो आखिर ये कहाँ तक जायज है गौरव? बिल्कुल जायज नहीं है मुस्कान, और यहाँ पर राजनीति में धर्म का क्या काम है? बिल्कुल, धर्म श्रद्धा भक्ति भाव आस्था के लिए बना हुआ है और धर्म के लिए इसलिए माना जाता है। पर जिस तरह से राजनीति में धर्म हावी है, और ये हावी आज नहीं है मुस्कान, ये शुरू से इस पर राजनीति चली आई है। अगर हम बात करें बाबरी विध्वंस की बात करें, तब भी इस पर राजनीति हुई थी, राम मंदिर पर लगातार राजनीति हो रही है, नागरिक संहिता पर राजनीति हो रही है, 370 पर राजनीति हुई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पर राजनीति हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद पर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो मुख्य केंद्र है वो जनता के मुद्दे हट चुके हैं और फिलहाल राजनीति का मुख्य केंद्र इसमें धार्मिक बयानबाजी बन चुकी है मुस्कान। गौरव, जिस तरीके से जब कोई और नेता ये बयान देता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, ऐसे में जब भगवान राम को लेकर बयान दिए जाते हैं, तो आखिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संज्ञान लेता है जब कोई मामला उठता है और जब उस पर बुद्धिजीवियों के वर्ग के बयान आते हैं, सरकार भी उस पर आरोप लगाती है, प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं। कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये महसूस होता है, वो सर्वोच्च अदालत है, उनको जब लगता है
कोई भी मामला होता अगर से आपसी सौहार्द या सामाजिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ने की उम्मीद रहती है तब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस मामले का संज्ञान लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट के बाद आने जाने में क्या होगा, स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ किस तरह की नीति अपनाई जाएगी, सजा होगी कि नहीं होगी, वो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा कि स्वयं प्रसाद मौर्य को सुरक्षा नहीं दी गई है, जब लखनऊ की बेंच ने सुनवाई की तो उन्हें जेड या वाई श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी गई, उसके बाद ये बयान सामने आ रहा, तो क्या ये समझा जाए कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई, इस वजह से ये बौखलाहट देखने को मिली उनके बयानों में? देखिए धार्मिक बयानबाजी सिलसिला बहुत पुराना है मुस्कान, और यहाँ पर प्रसाद मौर्य नए नाम नहीं है, पहले बयान दिए थे रामचरितमानस को बयान दिए थे, उसके बाद जब कहा गया था हमला भी यहाँ पर मारपीट भी हुई थी, आपको याद होगा होटल ताज में यहाँ पर विवाद हुआ था उनका, उसके बाद से लगातार चर्चा बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव इस तरह के बयानबाजी के बाद अगर अब तक शांत हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्य समर्थक समाजवादी पार्टी का उनको है, इसलिए स्वयं प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं, और शायद इस तरह की राजनीति करने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी में शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में इस तरह की राजनीति हमको और भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अब आज ये बयान तो दिया गया है और दलितों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन स्वयं प्रसाद मौर्य के इस बयान से कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका सपा से कट सकता है निकाय चुनाव में। जी बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर अगर एक तरफ फायदे की उम्मीद है कम है, क्योंकि कभी आपका वोट बैंक रहा ही नहीं है और कभी इस वर्ग के ऊपर आपका अधिकार रहा नहीं है, और ये आपका परंपरागत वोट बैंक नहीं रहा है, एमआई फैक्टर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहा है, पर यहाँ पर फिलहाल अगर इस वर्ग की बात करें बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ, अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग से तो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे, वर्तमान में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग से आते हैं, तमाम बड़े नाम हैं जो ओबीसी वर्ग से आते, तो यहाँ पर ये वर्ग फिलहाल बीजेपी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, पर इस तरह की बयानबाजी से इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर ये वर्ग ने साथ नहीं दिया और जो समन्वय वर्ग है वो भी आपसे छिटक गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है आगामी निकाय चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। जी गौरव, जब रामचरितमानस का विवाद हुआ था तो हमने देखा था कि किस तरीके से राजनीति एक बार तूल पकड़ ली थी और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सपा सुप्रीमो ने इस बारे में कहीं ना कहीं सफाई भी पेश की थी, तो क्या इस बार भी सपा सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से इस बयान पर कोई सफाई दी जाएगी या फिर ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ेगा? देखिए अगर हम रामचरितमानस के लेकर व्यवहार की बात करें तो उस पर समाजवादी पार्टी के दो अलग अलग बयान आए थे, एक तरफ तो ये था कि तमाम जो नेता थे उन्होंने इस बयान का विरोध किया था, मनोज पांडे जो शामिल है, और दूसरी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से इस बयान के बारे में पूछा गया, इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना बोलते हुए उनको स्वयं प्रसाद मौर्य को राय दी थी कि जाति की जनगणना पर आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं इस बयान पर ना बोलना और उनको जाति जनगणना पर आगे बढ़ने की बात इस पर बताती है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मुख्य समर्थन फिलहाल स्वयं प्रसाद मौर्य के है, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, इसके अलावा MLC है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कान कि उस समय ही शिवपाल सिंह यादव जो प्रसपा छोड़कर अभी सपा में शामिल हुए उन्होंने ये कहा था कि ये उनकी निजी राय है, स्वयं प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, तो यहाँ पर किसकी बात को हम देखा करें किसकी अनदेखा करें, अगर शिवपाल सिंह यादव वहाँ पर निजी बयान बता रहे हैं, अखिलेश यादव उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं, जाति जनगणना पे आगे बढ़ने की बात बोल रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मामला गड़बड़ है, कौन किसके साथ में फिलहाल जो मूक समर्थन मिलता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्वयं प्रसाद मौर्य को यहाँ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और शायद ये समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में एक चुनावी एजेंडा और एक बेहतर रणनीति समझ में आ रही है। बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 43वां जन्मदिन मनाएगी, यानी कि कल बीजेपी अपना जन्मदिन मनाएगी। पार्टी ने तय किया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा होगी। इस दौरान वो एक बड़े तबके को साधने का भी प्रयास करेंगे, तो वहीं सपा में निकाय चुनाव में तैयारियों की कैसी भूमिका रहेगी इसको लेकर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा कर रहे हैं और जो दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं उसे लेकर ग्राउंड की तरफ भी जा रहे हैं।
चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, बस अब तारीखों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में जो भाजपा है वो गरीब शोषितों और वंचितों के लिए लगातार तमाम तरीके के अभियान चला रही है, उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सपा भी लगातार अब अपने जिलाध्यक्षों से अपने कार्यालय पर मुलाकात करती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में जगहों पर बीजेपी मजबूत है। पिछले निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने ताश के पत्ते की तरह बिखर गई थी, लेकिन इस बार नगर निकाय की भूमिका को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव सपा और बीजेपी के बीच सीधे सीधे होने जा रही है और जिन लोगों को चुनाव लड़ने में रुचि है वो निश्चित ही बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ी समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहेंगे। निकाय चुनाव काफी नजदीक है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, ऐसे में कल भाजपा अपना 43वां जन्मदिन मनाएगी, साथ ही तमाम तरीके के कार्यक्रमों का उद्घाटन करेगी, तो इस उद्घाटन के जरिए इस कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी शंखनाद फूकेगी अपना? नमस्कार, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव होने हैं जिसको लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई हैं, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, चाहे बात करे समाजवादी पार्टी, चाहे बात करे कांग्रेस की, चाहे बात करे बहुजन समाज पार्टी की, ये सभी राजनीतिक दल अपने पैतरों के मुताबिक जनता का एक बार फिर विश्वास जीतने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर बात की जाए मुस्कान तो भारतीय जनता पार्टी का कल 43वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो तमाम जिला से लेकर और जो राजधानी दिल्ली में जो उनका प्रमुख कार्यालय है वहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को कार्यकर्ता अपने घरों पर भी फहराएंगे। अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में अलग अलग कोनों में कल एक कार्यक्रम के तहत भाजपा की जो तमाम नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, और वो एक पत्र भी बांटते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा भाजपा के मुख्यालय पे सबसे पहले झंडा फहराया जाएगा। उसके ठीक बाद प्रदेश के हर कार्यालय और जिले के कार्यालयों पर झंडा फहराने का काम किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो देश के अंदर में 10 लाख से अधिक जगहों पर टीवी स्क्रीन लगाकर और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में अगर देखें तो 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाए हुए है। वहीं अगर बात करें तो कल से माना जा रहा है कि स्थापना दिवस के इस समारोह के बाद से निकाय चुनाव की पूरी तरह से तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी। उसके ठीक बाद अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन से इस देश बचाओ देश बनाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के द्वारा प्रयागराज से किया जाएगा। इसका समापन भाजपा द्वारा तो देश बचाओ देश बनाओ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, लेकिन बीते दिनों जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया उससे कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है वो गर्म हुई है। तो अगर जहां भाजपा एक तरफ अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी तो वहीं सपा द्वारा कहीं ना कहीं दलितों का साथ दिया जा रहा है, तो ऐसे में किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, सपा को या भाजपा को? जी अगर बात की जाए तो ये तस्वीर चुनाव के बाद साफ होगा, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्कान अगर बात की जाए तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी काशीराम और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव की जोड़ी पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बताएं कि 1993 की तर्ज पर सपा एक बार फिर उसी चुनावी फार्मूले के साथ मैदान में है। अगर बात की जाए तो बीते दिन आपने देखा कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव रायबरेली के उचाहार जाते हैं, जहां वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में काशीराम जी की एक प्रतिमा का शुभारंभ करते हैं, अनावरण करते हैं। उसके बाद आपकी बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक भाषण दिया जाता है जिसमें साफ तौर से
मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी की नाम को जोड़कर और कहीं ना कहीं जाति सूचक माफ करिएगा धार्मिक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं MY फैक्टर के साथ साथ OBC और SC समाज के वोट बैंक में सेधमारी के लिए तैयारी में है। अगर बात करें तो 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं OBC और SC समाज का भारी समर्थन देखने को मिला है, जिसकी वजह से लगातार 9 सालों से सत्ता में दिल्ली की कुर्सी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। मगर इसकी तैयारियों की हम ये तो देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां, कोई पार्टी दलित को साध रही है, कोई पार्टी मुस्लिम वोटर्स को साध रही है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने विकास की बात नहीं की है। क्योंकि आज भी अगर हम लखनऊ के इंटीरियर क्षेत्रों में जाए, वार्ड्स में जाए, तो वहाँ की सड़कें खस्ता हाल है, वहाँ की सड़कों की हालत बुरी है, तो कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, खाली धर्म की राजनीति हो रही है, खाली एक तबके को साथ लाने की राजनीति हो रही है यूपी में। जी बिल्कुल सही कहा मुस्कान आपने। अगर बात करें तो जनता की जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मंचों से दूर नजर आते हैं। बात करें तो जातिगत राजनीति का प्रभाव उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में कहीं ना कहीं परचम पे है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की उस पर कहीं ना कहीं नेता जो हैं तमाम पार्टियों के वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार का जो निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में और 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें जातिगत फैक्टर चलता है या मुद्दे की राजनीति, ये आने वाला समय बताएगा। मगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना से लेकर और आरक्षण बचाने को लेकर लगातार कई सारे ऐसे कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अगर BJP की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम कर रही है, खासकर अगर बात करें तो पसमंदा मुसलमान को लेकर लगातार जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की चरम पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो मुद्दा है आम जनमानस का, चाहे बात की जाए गरीबी, चाहे बात करें रोजगार, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे प्रदेश के अंदर में गड्ढा मुक्त की जो तमाम दावे वादे थे उसको क्या चुनावी मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियां बनाती है वो आने वाला समय बताएगा। मगर पूरी तरह से धन्यवाद इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर खेलते खेलते 9 साल का बच्चा नदी में गिर गया और लक्ष्मण मेला मैदान के पास मासूम टूटी रेलिंग के पास खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया, वो टूटी हुई रेलिंग से सीधे गोमती में गिर गया। वहीं मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने बताया कि अगर प्रशासन ने समय पर टूटी रेलिंग बनवा दिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो वहीं लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर बीते दिनों एक कार भी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई थी। हादसा महानगर पेपर मिल कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर हुआ और कार सवार महिला समेत 4 लोग और एक कुत्ता डूब गए। वही महिला और उसके साथी की लाश भी बरामद की गई थी। तो लक्ष्मण मेला मैदान में एक बार फिर से हादसा हुआ है। इस दौरान एक बच्चा खेलते खेलते रेलिंग के पास पहुंच गया और वहीं पैर फिसलने से बच्चा गोमती नदी में जा गिरा और लगातार उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार हादसे हो रहे हैं, रेलिंग टूटी हुई है, लेकिन LDA के अधिकारी और इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर रेलिंग लग गई होती तो बच्चा नहीं डूबता और बच्चा हमारे साथ आज सकुशल जिंदा होता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, लक्ष्मण मेला मैदान में एक हादसा हो जाता है जहां एक बच्चे का पैर फिसल जाता है, वो गोमती नदी में गिर जाता है, क्या अपडेट है, क्या गोताखोरों की टीम ने बच्चे को ढूंढ निकाला है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई थी, घटना के बाद से लगातार 20 घंटे से अधिक तक गोमती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिससे कि बच्चे का शव बरामद किया जा सके, लेकिन रात तक जो सर्च ऑपरेशन चला था उसमें कोई सफलता नहीं मिली थी, सुबह भी सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे ही दिन ढलने को हुआ, दिन का तेज धूप हुई, उस दौरान बच्चे का शव SDRF की टीम ने बरामद कर लिया। लेकिन इसमें जो आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा वो आरोप ये है कि जिस तरीके से गोमती के किनारे रेलिंग लगी हुई है, ये रेलिंग जिस तरीके से टूटी हुई है, क्योंकि अधिकारी लगातार निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे उनका एक बच्चा
इस गोमती में समा गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल अगर हम इस मामले पे थोड़ा प्रकाश डालें तो ये जो गोमती रिवर फ्रंट है और इसके बगल की जितनी भी रेलिंगें हैं, ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि जब सरकार गई तो इसको एकदम अनदेखा कर दिया गया, जिसके बाद कई जगहों पर गोमती के किनारे की रेलिंगें टूटी हुई हैं, कई बार हादसे भी हुए। अधिकारियों ने इस पे कहा कि इसको मरम्मत कराया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी निस्तारण नहीं कराया गया। बिल्कुल मोहम्मद करीम, जिस तरीके से आपने बताया कि गोमती नगर के आसपास कई जगहों की रेलिंगें टूटी हैं, कई बार हादसे होते हैं, ऐसे में एलडीए के अधिकारियों की आखिर लापरवाही क्यों देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक बार फिर एक मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है? देखिए, इसमें जो सवाल खड़ा होता है एलडीए का, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं वो एक दूसरे पर अपना मामला थोपते नजर आते हैं, क्योंकि कभी वो नगर निगम पर डाल देते हैं, कभी वो प्रशासन पर डाल देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से मंडलायुक्त जगह जगह निरीक्षण भी करती हैं, जब अभी हाल ही के दिनों की दिसंबर की घटना हुई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद अधिकारी थोड़ा एक्टिव भी हुए थे, कई जगहों पर निरीक्षण किया था, जहां पर रेलिंगें भी टूटी पाई थी उसको लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन केवल निर्देश दिए गए थे, एफआईआर नहीं हुई। और आखिर उस चोरी, जो रेलिंग तोड़ करके चोरी की गई या बेची गई, आखिर इसके पीछे कौन है, इसका भी सुराग नहीं लगाया गया। कहा जा रहा था कि जहां पर भी ये रेलिंगें टूटी हुई हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी, पुलिस तैनात की जाएगी, एक जवान वहां पर तैनात रहेगा, कोई भी वहां से आता जाता है तो उसको देखरेख करेगा, लेकिन ये सब केवल हवा हवाई साबित हुए और एक घटना फिर सामने आ गई। बिल्कुल धन्यवाद मोहम्मद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक में अब खतरनाक कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और कोरोना वायरस ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है और नए केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बुधवार को यानी कि आज के दिन कोविड-19 के 4,435 नए मामले दर्ज किए गए। तो वहीं लखनऊ में आज कोरोना के 24 नए केस मिले हैं। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उनकी पत्नी भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में एक्टिव केसों की संख्या 50 के ऊपर पहुंची है और पिछले एक हफ्ते से कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। तो कोरोना को लेकर अब लगातार लोगों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ी है, क्योंकि लगातार हमने वो तस्वीरें देखी थी साल 2019, 20 और 21 की, कि किस तरीके से जो कोरोना है उसने लोगों की जान ली थी। उस दौरान ना जाने कितने लोगों ने अपने को खो दिया था। तो वहीं अब जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो अब लोगों की टेंशनें भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है, क्या कुछ वजह डॉक्टर्स बता रहे हैं जो एक बार कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं? देखिए, लगातार देश में कोरोना की रफ्तार अब बढ़ती चली जा रही है और अब तक कुल पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 4,435 नए मामले जो है कोरोना के इस देश में देखे जा सकते हैं। अगर वही राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कल का जो रिकॉर्ड है उस पर कुल 15 नए मरीज मिले हुए हैं। राजधानी लखनऊ की बात हम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मामले यानी 6 मामले अलीगंज से आए हुए हैं और जनपद में एक्टिव केस की संख्या जो है वो 70 हो चुकी है। आज ही जिला अधिकारी ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए सभी से कहा था कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह जो है वो भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचे। अक्सर ये देखा जा सकता है कि कोरोना जो है हर 6 से 8 महीने बाद अपनी संक्रमण में वृद्धि कर रहा है और लगातार 2019-20 के बाद से हम देख सकते हैं कि यह संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन पहले की माफी जो अगर बात की जाए तो स्थिति उतनी भयावह नहीं है। अब जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अधिकतर अस्पतालों से वैक्सीन भी नदारद दिख रही है। कहीं कहीं कुछ अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है लेकिन अधिकतर अस्पतालों से वैक्सीन भी नदारद दिख रही है। विवेक, अगर ऐसे में कोरोना के मामलों में अचानक से उछाल आता है तो यूपी के अस्पताल कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ गाइडलाइन जारी करके
सभी चिकित्सा अधीक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों, अस्पतालों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इसके पहले भी मॉक ड्रिल की थी और तमाम जगहों पे पहुंचे थे, औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो अस्पतालों में बेड आरक्षित करने की बात कही गई। आईसीयू से लेके जो कोविड वार्ड है वो सब आरक्षित किया जा रहा है। जो वेंटिलेटर की सुविधा है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, ऑक्सीजन की भी सुविधा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। तो अस्पताल प्रशासन को साफ तौर पर सरकार के द्वारा ये निर्देश जारी कर चुके हैं कि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो अस्पताल प्रशासन जो है हर एक मुश्किल के लिए तैयार रहे, पुख्ता तैयारी के साथ रहे, और सभी अस्पताल प्रशासन जो है इसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं और लोग अपने यहाँ कोविड वार्ड को आरक्षित कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को भी दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल तैयार रहे, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए, लेकिन आप तो लोगों के बीच रहते हैं, आप लगातार लोगों के बीच भी पहुंचते हैं, तो लोग कितने सतर्क है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? देखिए, लोग जो है वो काफ़ी अभी भी काफ़ी हल्के में संक्रमण को ले रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने डबल वैक्सीनेशन भी कराया और काफ़ी खुलेआम वो घूम भी रहे हैं। अभी भी कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हैं के बाद भी लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सरकारी अस्पतालों जो मरीज और ईमानदार है वो भी बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ जितने भी मरीज और ईमानदार आए उनको मास्क प्रदान करें, मास्क में रहने की बात करें, लेकिन कुछ कर्मचारी भी है जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क में अस्पताल परिसर में देखे जा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनता जो है थोड़ी लापरवाही बरत रही है, लेकिन सरकार लगातार ये अभियान भी चला रही है, स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है कि किस प्रकार से जो है वो तमाम लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे और सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं और तमाम जो चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल, उनका पालन करते रहें। विवेक, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां से कोविड के वैक्सीनेशन जो है वो नदारद दिखी, तो अब जब कोविड वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, तो इस स्थिति में अब जो स्वास्थ्य मंत्री है या जो मंत्रालय है उसकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए तो हमने अधिकारी एमके सिंह से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कोई भी जो लोग हैं, जो जनता है, मैक्सिमम लोगों ने अपने वैक्सीनेशन करा लिया है और जितने भी लोग नहीं करा रहे वो वैक्सीनेशन के लिए इंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आ नहीं रहे हैं और निजी अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन की सुविधा अभी उपलब्ध है और कुछ है कि सरकारी हॉस्पिटल कुछ एक छोड़ दिया जाए तो बाकी अस्पतालों से ऑक्सीजन के नदारद होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग इंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारी वैक्सीन जो है वो ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन वापस ले ली थी और नई वैक्सीन अब तक जारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस